तो गाइज बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है, हम लोग आए रात में और यहाँ पर शूट भी नहीं कर सकते अच्छे से, रोड खराब हो गया सारा। तो फिलहाल भी जहाँ पर हमें आना था नहाने के लिए वहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है, पानी इतना साफ है कि अंदर जो मछलियाँ हैं वो हमें क्लियर दिख रही हैं, उनको हम क्लियर देख पा रहे हैं, शायद देखिए आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, बिल्कुल क्लियर मछली दिख रही हैं, काफ़ी अच्छा पानी है। अब थोड़ा ये सही नहीं है कि हम रात में आए हैं, दिन होता तो और अच्छे से दिखाते। तो अभी फिलहाल में जो नदी थी इसमें नहा लिया और अब चेक परिक्रमा के लिए वहाँ तक परिक्रमा करेंगे और उसके बाद उसका व्यू दिखाएंगे आपको। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे पैदल, पैदल की परिक्रमा करेंगे और अभी प्रसाद लेंगे उसके बाद फिर आएंगे। अभी ये ले लिया है कामतगिरी प्रसाद और बस चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ पर जो एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो पहाड़, बहुत सारे पहाड़ हैं काफ़ी ऊँचे ऊँचे देखिए। अभी हमने कर दिया परिक्रमा शुरू और हमारे सभी लोग ग्रुप भी आ गए हैं, सभी लोगों ने प्रसाद ले लिया और बस अब यहाँ शायद कितने किलोमीटर की 12 किलोमीटर परिक्रमा है, उसको करेंगे पैदल और पैरों में कुछ नहीं है। तो अभी ये जो सामने पहाड़ है अभी उस पर जाएंगे और इसी की परिक्रमा लगती है यहाँ पे। तो यह श्री राम जी का मंदिर है सामने, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो अभी हमें लगाने का इतना जय श्री। तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव वाइब है, श्री राम जी के दर्शन हुए काफ़ी बहुत ही सही है, जय जय श्री राम। यार इधर पेड़ देखो, पेड़ कैसे इधर झुके हुए खड़े हैं लेकिन वो गिर नहीं रहे पहाड़ पे, यही है इधर जिंदगी अच्छी है। देखिए लोगों में कितनी श्रद्धा है, कैसे है, लोग लेट लेट कर परिक्रमा लगा रहे हैं। हमें चलते चलते हो गया है करीब आधा घंटा और चल रहे हैं क्योंकि चेहरे पर थकावट नहीं है, श्री राम से करते हैं। यस, तो अभी हम जाएंगे ये रोप वे से जो काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से तो नहीं जा रहे हैं लेकिन अभी जाएंगे हम लिफ्ट से जो होती है रोप वाली। रोप वे है अभी खुलेगी 6:30 बजे और अभी बजे 6:15, तो 15 मिनट हैं तो इंतजार कर रहे हैं जाने का और इसी भी जाएंगे। तो अभी हम इसी रोप में रोपे हैं, इसी में जाने वाले हैं।
बैठ चुके हैं और हमारे सारे जो दोस्त थे वो भी सभी बैठ चुके हैं, तो काफी मजे आ रहे हैं चित्रकूट में। तो हमारे जो रोपे है वो शुरू हो गए चलना और आई एम सो एक्साइटेड, और हम जा रहे हैं पहाड़ी पर, काफी अच्छा लग रहा है। ये है शेष अवतार लक्ष्मण मंदिर। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पर लोग बंदर भी बैठे हैं, देखो वो सामने काफी अच्छी पॉजिटिव वाइब है। जय हो बजरंगबली। तो फाइनली परिक्रमा है वो पूरे हो चुके हैं और अभी हम जाएंगे घर, बस बहुत ही थक गए हैं। और जय श्री राम। We'll go through the wastelands, through the house.